गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आप भी अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस बिना किसी इक्विपमेंट के। आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, ये रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो आपका डिनर है वो एटलीस्ट आपको वर्कआउट से 2 घंटा पहले फिनिश करना है, ठीक है। इमीडिएटली बाद आपको वर्कआउट नहीं करना। बहुत लोगों का ये माइंड में मिथ है कि हमें खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो आप अच्छे से कर नहीं पाते हैं, बहुत हिम्मत हार जाते हैं, थका हुआ फील करते हैं और नेक्स्ट डे से फिर उस चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट फूड आप ले सकते हैं 1 से 1.5 घंटा पहले। आप पीनट बटर विद ब्रेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं पतला पतला, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप प्री वर्कआउट मील में ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर 1 से 1.5 घंटा पहले, ठीक है। हल्का खाना खाएं और उसके बाद वर्कआउट करें, अल्टीमेट आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। चलिए आज का बेहतरीन सा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बारी आती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है देख लीजिए, आपको इस तरीके से बॉडी को लिफ्ट करके रखना है, हमें अपने लेग्स को ऊपर लेकर जाना है। आप डाउन भी जा सकते हैं और इस तरीके से हिप के नीचे हैंड भी प्लेस कर सकते हैं। जब हम हिप के नीचे हैंड प्लेस करते हैं तो उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है ये कि आपके बैक पे उसका बहुत ज्यादा लोड नहीं आता और आपको कोई भी बैक इंजरी नहीं होती है। इस तरीके से हमने हैंड को प्लेस करा, ठीक है। उसके बाद में हमने लेग को हम ऊपर लिफ्ट करेंगे, देन उसके बाद में ओपन करेंगे, देख लीजिए कैसे। ओके रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको क्या करना है, पीठ के बल मैट पे लेट जाना है। लेटने के बाद में आपने पहले दोनों लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपने अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है लाइक दिस। उसके बाद में आपने अपनी लेग्स को दोनों को स्ट्रेट करना है और वन लेग को जब हम हैंड्स को आगे लेके जाएंगे तो आपने लेग्स के नीचे से क्लैप करना है, देख लीजिए कैसे। आपने दोनों चीजों को अपनी बॉडी को मूवमेंट देना है, अपर बॉडी को भी आपने अपलिफ्ट करना है, देन अपने अपने लेग को भी जितना हो सकता है पास लेकर आना है चेस्ट के। 20 टाइम्स हम करेंगे राइट साइड, 20 टाइम्स हम करेंगे लेफ्ट साइड, 2 सेट। उसके बाद में हमें अपने ऑपोजिट नीज को आगे लेकर जाना है। आपका जो ये लोअर बॉडी है यानी हिप एरिया जो है वो स्लाइटली सा डाउन रहेगा, बिल्कुल अप करके नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइज आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर करना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि मेरी फैमिली मुझे पसंद कर रही है, ठीक है। और रिस्पॉन्स भी दिया करें कि वर्कआउट का क्या रिजल्ट रहा। और भी आपके कोई क्वेश्चन हैं या क्वेरीज हैं डेफिनेटली कमेंट करें, हम उनका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।